मुनीब। मुनीब कितनी उम्र है? 20 साल। क्या करते हो? मोटरसाइकिल होगा। क्या काम? शोरूम है? दुकान है अपनी, मोटरसाइकिल। अपनी दुकान है, वर्कशॉप है? हाँ जी। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 5 बहन 1 भाई। माशाल्लाह, आप अकेले? ठीक हो गया। बाकी बहनें मैरिड है? तीन की शादी होने वाली है, एक की शादी है, तीन की शादी होने वाली है, अनमैरिड है? हाँ जी। अच्छा, और 2 मैरिड है? हाँ जी। खतीबा की शादी हुई थी? हाँ जी हुई थी। बच्चे कितने थे? एक बेटी। तो फिर उसके बाद डिवोर्स हो गई? हाँ जी। या खुद ली थी? वो खुद ली थी, उसने खुद ली थी। खतीबा ने खुद ली थी? क्यों? वैसे ही क्या होता है वो? मेरे बारे में, तब छोटा था। अच्छा ठीक है, तब आप छोटे थे। कितना अच्छा पहले की बात है? 6-7 साल पहले। और 6 साल से वो आप लोगों के साथ ही रह रही थी? 5 साल उसे हमारे घर रहते हो गए थे। आपके घर में? हमारे घर से क्या मुराद है? वो घर खतीबा का नहीं था? खतीबा का था। तो आप कह रहे हो हमारे घर में 5 साल से रह रही थी? मैं क्या, हमारे घर में तलाक लेके रह रही थी। तलाक लेके घर में रह रही थी? हमारे से क्या मुराद है? अब्बा का घर है ना? हाँ जी। या आपने बनाया है? अब्बा का घर है। तो सबका हुआ? हाँ जी। बहनों का भी, भाई का भी? हाँ जी। आपका तो नहीं ना? नहीं। तो फिर ऐसे बोलो ना कि वो घर में रह रही थी। हमारे घर में क्या होता है? ठीक से रह रही थी, मामला ठीक चल रहे थे। मामला तब भी गलत थे। कब? जब आई थी। हाँ। क्या इश्यूज थे वो? कभी क्या मसले में साथ? कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। क्या वजह है? बात करती थी। आपको कैसे पता? पापा का फौत हो गया तब बात करनी शुरू हुई है। पापा के बाद? हाँ। पापा को फौत हुए कितना अच्छा हुआ है? 2.5 साल। अच्छा ठीक है, उसके बाद बातें शुरू की हैं उसने। आपको कैसे पता है? मुझे मोबाइल से पता चला, लोगों ने मुझे वीडियो भेजी है। एक मिनट, मोबाइल से कब पता चला? मेरा भी नंबर उसने लोगों को दिया हुआ था। मोबाइल से कब पता चला? साल डेढ़ साल पहले। आपको पता चला जब आप लोगों के घर आ चुकी थी, तलाक हो चुकी थी? तलाक पहले की हुई है। मैं ठीक है, 5 साल हो गया तलाक हुई है। ठीक हो गया, 1.5 साल पहले इसने लोगों से बातें करनी शुरू कर दी। हाँ जी। ठीक हो गया, क्या बातें करती थी? ये लोगों से पैसे लेती थी। अच्छा, किसी को वीजा लेके दूंगी। हाँ, किसी से 2 लाख ले लिया, किसी से 1 लाख रुपए ले लिया। एक लड़का अलियास के साथ, ठीक है, वो जो उनसा था ना, उसको ऐसा था मैं वीजा लेके देता हूँ। हमारे घर जब आते थे ना लड़के, किसी ने डंडा पकड़ा हुआ था हाथ में। खतीबा ने। अच्छा, जो उनसे लड़के आते थे ना। हाँ। उसने भी लड़की थी उनके साथ, उनके मेरे प्रूफ है मोबाइल में, ठीक है। नहीं एक मिनट, डंडा किसके लिए पकड़ती थी? बदमाशी लगाती थी आगे। आप लोगों के लिए? हाँ जी। या बाहर से आने वालों के लिए? बाहर के आने वाले के, हम बोलते थे ना चलो ऐसे नहीं बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ हाँ। वो हमें गल में नहीं थी आने देती। अच्छा फिर चलो बोलते जो, शाबाश बोलो। और क्या करती थी? और जो भी वीडियो भेजी है उसने अपनी, वो फिर लड़के ने मुझे भेजी, मैंने उसे मार दी। लड़के अपनी वीडियो भेजी किसी को? हाँ जी। क्या था वीडियो में? बिल्कुल ही वो जिस्म खत्म। अच्छा ठीक है, नाजेबा वीडियो थी। हाँ जी। बरहना थी। हाँ जी। वो लड़के को भेज दी। हाँ। उस लड़के ने आपको भेज दी। उस लड़के के साथ कोई शादी वादी करनी थी? क्या मामला थे? शादी पहले कह रही थी शादी करनी है। मैं उसको बुलाऊ, मैं बैठ के ना आपको ले लोगे, आपका निकाह करता हूँ, चले जाओ। कहती थी ब्याह फिर शादी भी नहीं करानी। और ताल्लुक भी रखना है? ताल्लुक भी रखना है। अच्छा फिर आपने समझाया? वो समझाया, तायाबू ने समझाया, मामू ने समझाया, नाना भी ने समझाया। वो बात नहीं थी यार। ठीक है फिर? फिर उसको मैंने जुम्मे वाले दिन मार दिया। एक ही लड़का था या बहुत सारे थे? बहुत सारे लड़के थे। बहुत सारे थे? 3-4 लड़के हैं। 3-4 लड़के थे। 3-4 लड़के, तीनों चारों ने आपसे रابطہ किया? मेरे साथ एक समड़े वाले का लड़का, उसने किया था रابطہ। उसको मैं जानता नहीं है, वैसे ठीक है, देखा है मैंने। ठीक है ठीक है। दूसरे नंबर पे दो लड़का है ना अली, उसको भी मैंने हकीकत तौर पे इसके साथ देखा है ना 2-3 बारी। खुद देखा है? हाँ जी, घर में या बाहर? घर में देखा है। ठीक है ठीक है। मैंने उसको फिर समझाया, 1 साल पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, नहीं थी बात आई। फिर उसने थोड़ा फिर पैसे लिए, फिर उसके साथ ऐसे कर, मेरे से भी 1 लाख रुपए लेके दिया, मैंने तुझे वीजा लेके दे दिया दुबई का। अच्छा, कोई वीजा नहीं लेके दिया, घर में लड़ाई डालने चूना घर भी लगा दिया। हाँ जी। अच्छा फिर? इसीलिए फिर मैंने उसको मारा। फिर आपने उसको मार दिया? अच्छा ठीक। मैंने पैसों के लिए नहीं मारा। हाँ। वीडियो के लिए मारा, गलत के लिए, गलत के नाम पे मारा है।
अच्छा, और ठीक हो गया। अब आपने जो कत्ल किया है अपनी बहन को, वो किस तरह किया है? गला दबा के। बाकी घर में कौन कौन था? सब घर थे। सब घर थे, बहनें बाकी घर थी, अम्मी भी घर थी और अब्बा तो फौत हो चुके हैं। इन सब के सामने गला दबाया? नहीं। हाँ, वो बाहर थे। कहाँ बाहर? कमरे में। दूसरे कमरे में? अम्मी कहाँ थी? अम्मी कहाँ थी? अम्मी भी कमरे में थी। आपके सामने थी या नहीं? नहीं। आपके FIR में वाजे लिखा है कि आपकी अम्मी सामने थी? नहीं। क्या नहीं? नहीं। FIR में दर्ज है? मामा जो उनसी थी ना, मामा चीज बकरानी लेने गई थी। अभी तो आप कह रहे हो दूसरे कमरे में थी। वो ले के आए थे ना, मैं जो कहते नाश्ता कर लो। कौन कहता है? इसको हतीबा को। हतीबा बच्ची को स्कूल छोड़ के आई है ना। हाँ। मैंने उसको खुद मारा। आपने खुद मारा उसको? मैंने सवाल ये नहीं किया, मैंने ये पूछा है कि अम्मी दूसरे कमरे में थी? हाँ जी। या सामने थी? वो सामने नहीं थी ना। है, सामने थी। मारा मैंने खुद। आपने मारा? हाँ जी। अम्मी ने देखा आंखों से? हाँ जी। क्या कर रहे थे तुम? उसका गला ही दबाया बस। अम्मी ने देखा या नहीं? देखा है। देखा है? अभी आप कह रहे हो बाकर खानी लेने गई थी। मैं कह लेके आए। फिर दो मिनट बाद आपने बयान दिया है कि अम्मी दूसरे कमरे में थी। और बताऊं क्या क्या लिखा है FIR में? फिर वो भी स्टेटमेंट चेंज करते रहना, बताऊं? अम्मी ने देखा? हाँ जी। मना नहीं किया? सोच के जवाब दो, क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, मामा ने मना नहीं किया। नहीं किया था? फिर सोच लो। नहीं किया। मौके पे मना नहीं किया? नहीं। तो FIR क्यों कराई है तुम्हारे खिलाफ? अगर उन्होंने मना नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो मरवाना चाह रही है, ऐसे ही है? तो फिर FIR क्यों करा दी तुम्हारे खिलाफ? तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी ने FIR कटाई है तुम्हारे खिलाफ? पता है इस बात का? नहीं पता? अम्मी ने FIR कटाई है कि इसने मेरी बेटी का गला दबा कर कत्ल किया है। अब बता दो, अम्मी राजी थी या नहीं इस कत्ल में? राजी थी? नहीं। नहीं राजी थी? नहीं। क्या कह रही थी? वो कह रहे थे रहने दो। वो कह रही थी रहने दो? अभी आपने कहा अम्मी ने मुझे मना ही नहीं किया। पहले किया था ना। पहले कब? एक दिन पहले। एक दिन पहले भी गला दबा रहे थे? नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो कह रहे थे ऐसे ना मारो, रहने दो। कैसे? थाने जाओ। नहीं, कैसे ना मारो? एक दिन पहले भी गला दबा रहे थे? नहीं। तो फिर कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ, वो जो सा ना पहले जो उनसे गला नहीं था दोबारा, पहले उसको थाने ले गए हैं दो तीन दिन पहले, इसने रिपोर्ट दी है। अच्छा, फिर? मेरा बयान पूरा सारे सुन ले। सुनाओ। वो जो उनसे पहले रिपोर्ट दी है ना, उसके साथ फिर क्या दी है? रिपोर्ट दे के गई है। किसको? नीचे थाने। अच्छा। रिपोर्ट करा गई है लड़कों के खिलाफ। अच्छा। उसने फिर मुझे वीडियो सेंड की है लड़कों ने। हाँ जी, दो दिन पहले। दो तीन दिन पहले। ठीक है, फिर? फिर मामा ने उसको समझाया ऐसे, हमारी बहुत बिस्ती है, चाचा को बुलाया, ठीक है, सबको बुलाया घर। वो कह रहे थे इसके ना घर से निकाल दो, इसे घर से निकाल दो। फिर मामा मेरी जौन सी है ना, मामा कहते थे हाँ घर से निकाल दो उसको। उसको निकालने लगा था, उसने हाथ मुझे पकड़ने लगी थी, ठीक है, मैंने फिर उसको मार दिया। घर से कैसे निकाल रहे थे? बाजू पकड़ के धक्का दे रहे थे? हाँ जी। हाँ हाँ जी। यहाँ पे गैरत नहीं जागी तुम्हारी? बहनों को घर से बाहर धक्का देते? बहन को घर से बाहर धक्का देते? नहीं। उसका खामत था? खामत है उसका? नहीं। शौहर नहीं है उसका? बाप है उसका? बाप भी नहीं है। बाप भी नहीं है। पीछे कौन सा रिश्ता बचा? औरत तो का मुहाफिज कौन होता है? भाई। भाई, शौहर, बाप। शौहर के साथ ताल्लुक रहा नहीं, तलाक हो गई। बाप दुनिया पे रहा नहीं, फौत हो गया। भाई ने क्या किया? क्या किया भाई ने? मार दिया। उससे पहले क्या किया? क्या किया? धक्का मारा। धक्का मारा, क्यों? क्या करने के लिए धक्का मारा? क्या करने के लिए धक्का मारा? मारने के लिए। मारने के लिए नहीं, घर से धक्का दे रहे थे, यही बयान दिया ना आपने मुझे? नहीं। कि मैं घर से बाहर उसको धक्का दे रहा था कि निकल जाए यहां से, ये हरकत की आपने? कहां निकाल रहे थे? बाहर फिरते हुए भेड़ियों के हाथ में दे रहे थे या किसी के साथ निकाह पढ़ा के भेज रहे थे? कहां दे रहे थे? बहन को दरवाजे से बाहर धक्का किसके लिए दे रहे थे? जवाब दे दो, किसके लिए धक्का दिया था बाहर? निकाह पढ़ाया था दूसरा किसी और से? फिर किसके लिए?
घर से बाहर क्यों धक्का दे रहे थे? मैं तो उसको कह रहा था निकाह कर लो। ठीक है, आप कह रहे हैं अपनी मर्जी से भी मैं लेके आया दो तीन रिश्ते। ठीक है, हाँ कर लो, नहीं करती थी। ठीक है, शादी करवानी नहीं है। ठीक है, फिर धक्का क्यों दे रहे थे घर से बाहर? धक्का इसीलिए दे रहा था, तायाबू ने कहा इसे धक्के दे के बाहर से निकाल दो। तायाबू ने कहा इसको धक्के दे के बाहर निकाल दो। तायाबू की अकल बंद हो गई थी, आंखें अंधी हो गई थी कि इसका बाप सर पे नहीं खड़ा और मैं भाई को ये पट्टी पढ़ा रहा हूँ कि अपनी बहन को धक्का दे दो, और भाई भी वहाँ रीत पे चल के बहन को धक्का दे रहे। तायाबू की आंखें बंद हो गई थी कि अपनी बेटियों को भी तायाबू धक्के ही देते हैं? अपनी बेटियों को देते हैं तायाबू धक्के घर से बाहर? कभी दिया है किसी को? देखा हो तुमने कि ताई की बेटी को घर से निकाल दिए? हुआ है कभी ऐसा? तो फिर तुम्हारी बहन को क्यों भाई? क्यों तुमने क्यों दिया अपनी बहन को धक्का? जान छुड़ा रहे थे? नहीं, जान तो नहीं था छुड़ा रहा मैं। फिर क्या कर रहे थे? फिर उसको कह रहा था मैं निकाह करा लो, ये शादी करवा लो। ओ भाई, वो तो हो गया ना, उसने नहीं कराई, गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसे। उसे शादी भी करनी चाहिए थी और उसे नाजेबा हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। उसने गलत किया है, उसने बेइज्जती करवाई है अपने बाप की, अपने भाई की, अपने खानदान की। लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो वही किया, आपने धक्का दे दिया घर से बाहर। उसने कहा मैंने नहीं जाना, तुमने गला दबा दिया, यही किया है? गला दबाया? हाथ पैर नहीं मारे उसने? आगे से तुम्हारा गला नहीं पकड़ा? क्यों? बैठ गया था। हाँ, ऊपर बैठ गए थे तुम। और क्या किया था तुमने? बस। कितनी देर बैठे रहे हो? 5-10 मिनट। जब तक मरी नहीं? हाँ जी। हाँ? फिर तसल्ली कैसे की कि मर गई है या जिंदा है? तुम्हें लगा नहीं कि ये भी उठ के खड़ी हो जाएगी? नहीं लगा? फिर तसल्ली कैसे की? चेक किया उसको? हाँ जी। कहाँ से? हाथ से पकड़ी। क्या नब्स चेक की? सांसें चेक की? क्या चेक किया? सांसें भी चेक की थी। कहाँ से? नोज़। मुंह से या नोज़ से? नोज़ पकड़। नोज़ से। और क्या चेक किया? नब्स चेक की। आती है चेक करनी नब्स? आती है? ठीक हो गया, ये दोनों चीजें चेक की कि मर गई है या जिंदा है, फिर तुम्हारी तसल्ली हो गई? हाँ जी। ठीक हो गया। अम्मी सब देख रही है? हाँ जी। या नहीं? अम्मी तो कह रहा था नहीं देख रही। हाँ, अभी तो कहा अम्मी देख। अम्मी कमरे में ही थी ना। हाँ। दूसरे कमरे में थी, वहाँ आई तब मैंने मार दिया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद तुम भाग गए? नहीं, गाड़ी था। खरी थे। पुलिस ने कितनी देर के बाद पकड़ा? पुलिस को खुद फोन किया था। किसने? अम्मी ने। अम्मी ने। अम्मी ने ना? अम्मी ने नहीं किया था, चाचू ने किया था शायद। पहले चाचू कहते हैं कि बहन को धक्का दे के घर से बाहर निकालो, खुदा का खौफ करें ताए भी और चाचे भी जो बच्चों को ये कहते हैं कि अपनी बहन को धक्का दो घर से बाहर। जब बहन भाई लड़ पड़ते हैं, मर जाता है एक शख्स, तो फिर पुलिस को फोन भी करने वाला ये चाचा ही है, यानी लगाई भी खुद और बुझाई भी खुद। अच्छा, फिर पुलिस को फोन करके बताया ये चाचा सका है तुम्हारा? हाँ जी। अच्छा, नहीं चाचू नहीं है। हाँ। वो मेरे ना चाचू भी पापा मेरे के फूफू के बेटे हैं, कजन है। जी, चलो कजन। कोई बात नहीं, स्टेप कजन है। ये अच्छे हैं, तुम्हारे हक में बेहतर है या नहीं? ठीक है। ठीक है, ये जो तुम्हें कहते हैं अपनी बहन को मारो, कल को कहेगा दूसरी को मार दो, मार दोगे? फिर कितने साल हो गए उसको डिवोर्स लेके तुम लोगों के घर आए हुए? 4 साल हो गए। 5 साल की उसकी बेटी थी जब, एक दिन की थी वो, जब पैदा हुई थी तब हमारे घर आई थी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात?